हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 15 पे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एनसीईआरटी 12th सॉल्यूशन नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के देखिए, आपको एक्सरसाइज 5.5 का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 चलेंगे। क्या है बउआ? एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, यही ना है जी। अब क्या करोगे सर? ऐसे सवाल में लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। चलो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये लॉग एक्स वाई हो जाएगा सर, ये लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, होगा ना। अब एक काम करो सर, log एक्स वाई तो ये तो हो जाएगा log x प्लस log वाई ना। अब e टू द पावर x माइनस वाई है, x माइनस वाई बाहर हो जाएगा, और log e बेस, e बेस कुछ भी नहीं तो एनसीईआरटी 12th में e माना जाता है, log e बेस e है तो इसका मान तो 1 हो जाएगा सर। log e का मान कितना होता है? 1। आइए, log x प्लस log y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो गया। चलिए लॉग ई का मान हमने 1 रख दिया है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 बाई एक्स, प्लस लॉग वाई का 1 बाय वाई। लेकिन सर यहाँ तो चैन रूल लगेगा, वाई का भी डिफरेंशिएशन होगा, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन सर 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन सर डी वाई बटे डी एक्स होगा। अब जरा आ जाओ, इसको इधर लेकर के आ जाते हैं सर, डी वाई डी एक्स वाले टर्म को इधर लेकर के आ जाओ, 1 बटे वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, 1 माइनस 1 बाय एक्स आ गया। अब इस दोनों से कॉमन आएगा, क्या आएगा सर? डी वाई बटे डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका डी वाई बटे डी एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया 1 बाई वाई, अब प्लस कितना बोलो? 1। यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लिया तो 1 ही ना आएगा, यहाँ है सर 1 माइनस 1 1 बाय एक्स। एक काम करो सर, डी वाई बटे डी एक्स है, यहाँ एलसीएम क्या आएगा बोलो? वाई आएगा, y तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस वाई, ये आपका एलसीएम कितना आएगा? x, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। तो चलो भाई, ये आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर आ गया, y ऊपर चला जाएगा सर, y बटे एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बटे वाई प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। तो आप आई होप कि समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चे, अब एक प्यारा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 का अवकलन ज्ञात कीजिए, और इस प्रकार एफ डैश 1 ज्ञात कीजिए। पहले इसका लॉग, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए सर, डेरिवेटिव्स, और उसके बाद फिर एफ डैश 1 ज्ञात कीजिए। चलिए सर, चूँकि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। चलिए अब क्या करोगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो भाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेंगे। तो लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? इधर तो लॉग एफ एक्स हो जाएगा, और इधर सर लॉग लगा देंगे, लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8। अब जरा बोलो, ये लॉग एफ एक्स है सर, ये तो गुना में है सर, तो जोड़ में आ जाएगा ना जी, लॉग एम इंटू एन इंटू पी, हम पढ़े हैं लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, इस तरह से ये जोड़ में आ जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 ना, ये आ गया सर।
तो log एफ एक्स का तो 1 बटे एफ एक्स हो जाएगा, फिर इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा सर ना, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ना जी, एफ डैश एक्स पहले log का हुआ, 1 बटे एफ एक्स हुआ, फिर एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया, अब फिर log 1 प्लस एक्स का 1 बटे 1 प्लस एक्स, फिर सर अंदर वाले का जरा बोलो तो 1 का तो 0, x का 1, 0 प्लस 1, फिर सर यहाँ भी करो तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर log का हुआ, फिर सर अंदर वाले का क्या हो जाएगा बोलो तो 1 का तो 0, x स्क्वायर का कितना 2x प्लस, फिर log इतना है सर 1 बटे 1 प्लस x टू द पावर 4, 1 का 0 x पर पावर 4 का कितना 4x क्यूब, अब प्लस सर log 1 log इतना है सर तो 1 बटे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 गुना सर एक्स टू दी पावर 8 का क्या 7 8 एक्स टू दी पावर 7 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से आ गया आपका सर, यहाँ से आपका आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इधर नीचे में है तो उधर साइड चेंज होगा तो ऊपर चला जाएगा, एफ एक्स इंटू ये कितना सर, ये आपका 1 बटे 1 प्लस एक्स हो गया, अब यहाँ सर 2x बटे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x क्यूब बटे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा प्लस 8x टू दी पावर 7 बटे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 हो जाएगा। ये तो सर एफ डैश एक्स का वैल्यू निकल गया, लेकिन हमको कहता है सर, हमको कहता है एफ डैश 1 का ही वैल्यू ज्ञात कीजिए, किसका वैल्यू ज्ञात कीजिए एफ डैश 1 का ही वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे सर एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं, एक सेकेंड एफ एक्स आपका हाँ इसको मिटा देते हैं। चलो भाई तो आपका फाइनली एफ डैश एक्स जरा बोलो तो क्या आया, एफ एक्स के जगह पे कितना रखोगे इतना 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आ गया एफ एक्स की जगह पे कितना 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 8। चलो भाई ये अब आपका आ गया कितना 1 बटे 1 प्लस एक्स जोड़ 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जोड़ कितना सर 4x क्यूब 4x क्यूब बटे 1 प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 8x टू दी पावर 7 बटे 1 प्लस x टू दी पावर 8 आया। अब हमको निकालना क्या है सर f डैश 1 निकालना है, f डैश 1 निकालना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दोगे 1 रख दोगे, आ जाओ तो 1 रखो सर, ये आपका 1 प्लस 1 ये 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 1 पे पावर 4 करोगे तो भी 1 होगा, 1 पे पावर 8 करोगे तो भी 1 होगा। चलो मेरे भाई ये आपका 1 बटे 1 प्लस 1 फिर सर 2 गुना x के जगह पे 1 नीचे 1 प्लस 1 फिर सर 4 गुना 1 बटे 1 प्लस 1 फिर प्लस 8 गुना 1 पे पावर 7 1 ही होता है 1 प्लस 1 हो जाएगा। चलो मेरे भाई अब सॉल्व कर दो, अब सॉल्व कर दो एफ डैश 1 ये आपका आ जाएगा 1 जोड़ 1 2 2 2 2 सर ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 गुना 4 2 है तो 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16 16 आ गया। अब फिर सर 1 बटे 2 आया फिर 2 बटे 2 आया 2 बटे 2 आया फिर 4 बटे 2 आया फिर 8 बटे 2 आया। अब जरा बोलो जरा बोलो एक काम करते थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा भाई, वीडियो पॉज करके तुम नोट कर लेना, आ जाओ क्या करोगे भाई अब सर 16 गुना एक काम करो एलसीएम तो 2 आ जाएगा, अब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 ये आ गया 8 4 12 2 14 1 15 16 अच्छा ये भी कट भी जाएगा 2 8 16 तो 8 गुना 15 आ गया सर, ये आपका वैल्यू कितना आ गया 120, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था 16 नंबर क्वेश्चन था। तो आज के क्लास में हम यहीं तक रहेंगे और नेक्स्ट अगले क्लास में चलेंगे, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के नमस्कार, फिर कल मिलेंगे हम लोग, फिलहाल हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो, थैंक यू धन्यवाद।